हेलो फ्रेंड, टेक विद मनीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्रा और आज का टॉपिक है एक रिचार्जेबल एलईडी ड्राइवर सर्किट और एमसीपीसीबी एलईडी किट। मैं आपको इस वीडियो में दोनों को कैसे कनेक्ट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा और चेक करके टेस्ट करके भी बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ये हमारा एक एसी डीसी रिचार्जेबल एमसीपीसीबी इलेक्ट्रिक किट है जो कि 12 वाट में है और ये हमारा रिचार्जेबल या एसी डीसी का ड्राइवर सर्किट है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके इनपुट में दो वायर होते हैं, न्यूट्रल और फेस, और आउटपुट में तीन वायर होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। नॉर्मली एलईडी बल्ब में दो वायर होते हैं, प्लस और माइनस के होते हैं ड्राइवर सर्किट के, और रिचार्जेबल एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट में तीन आउटपुट होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। एक डायरेक्ट वाला डायरेक्ट से सप्लाई से चलता है और एक बैटरी द्वारा चलता है। जैसे कि डायरेक्ट में चलते चलते अगर अचानक से लाइट गोल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बैटरी वाला स्टार्ट हो जाता है और ऑटोमेटिकली जलने स्टार्ट करता है। इसका भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, उसको भी आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया था, और इसी पीसीबी सर्किट से बनाया था तो उसको आप जाके देख सकते हैं। मैंने इसको वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ और मेरे ही यूट्यूब चैनल में वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें तीन पॉइंट दिख रहे हैं, प्लस माइनस और एफ प्लस, जो कि प्लस में रेड वायर और माइनस में व्हाइट वायर और एफ प्लस में ब्लैक वायर टच का कनेक्शन करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कनेक्शन करके, प्लस पॉइंट में रेड वायर, माइनस में व्हाइट वायर और एफ प्लस में ब्लैक वायर। जैसे कि मैं आपको ड्राइवर सर्किट में भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें भी लिखा है प्लस माइनस एफ प्लस, ठीक है। प्लस मतलब रेड वायर, माइनस मतलब व्हाइट वायर और एफ प्लस मतलब ब्लैक वायर। इसी के हिसाब से इसको कनेक्ट करेंगे और ये दोनों कॉम्बो आता है, अलग अलग नहीं आता है। जैसे कि आपको परचेस करना है तो दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं मिलता। आप इसके बाद इसका कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद टेस्ट करके देखते हैं और चेक करके देखते हैं। और इसमें लिथियम आयन बैटरी यूज होता है, उसको भी लगाकर मैं आपको चेक करके बताऊंगा और कैसे काम करता है उसको भी बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पास सोल्डरिंग कर लिया है और आप देख सकते हैं मैंने सेम टू सेम वायर को सोल्डरिंग कर लिया है। जैसे कि प्लस में प्लस रेड वायर, माइनस में माइनस व्हाइट वायर और एफ प्लस में एफ प्लस ब्लैक वायर को सोल्डरिंग कर लिया है। अब बारी है इसका चेक करने की, ठीक है। सबसे पहले एसी सप्लाई से लाइन देखकर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से 230 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे तो डायरेक्ट वाला एलईडी ग्लो हो जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा
कैसे कनेक्ट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये ले लिया है, आप यहीं से आप इसको कनेक्ट करते हैं। मैं आपका कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूं, उसके बाद इसको टेस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके एसी पॉइंट को कनेक्ट कर लिया है। आप देखते हैं इसको, ये डायरेक्ट स्विच बोर्ड में कनेक्ट है। आप स्विच बोर्ड को इसको स्टार्ट करते हैं, स्विच को ऑन करता हूं, उसके बाद देखते हैं। और ये आप देख सकते हैं, मैं स्विच को ऑन कर रहा हूं, अब ये अच्छे तरह से काम कर रहा है और अच्छे तरह से एलईडी ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैंने और अच्छे ब्राइटनेस के साथ ये ग्लो कर रहा है। आप बैटरी लगाकर एक बार आपको टेस्ट करा देता हूं, अगर लाइट गोल होने के बाद ये ऑटोमेटिकली बैटरी से काम करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरी बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी जो कि 3.7 वोल्ट का है, 2600 mAh का है और 9.62 वाट आवर का है। आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कैसे कनेक्शन किया और इसको कनेक्शन देके इसको चेक किया। आप देख सकते हैं, अब बारी है बैटरी से चेक करने की। ठीक है, इसमें जो बैटरी का कनेक्टर दिया है उसी में कनेक्ट करेंगे। ई सेट माइनस पॉइंट दिया गया है और ई सेट प्लस पॉइंट दिया गया है, उसी के हिसाब से लिथियम आयन बैटरी को कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दोनों एसी पॉइंट को शॉर्ट करेंगे, तभी ये काम करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे कि एसी पॉइंट में सप्लाई देते हैं, एलईडी को जलाते हैं, तो ये बैटरी भी चार्ज होता है, साथ ही साथ बैटरी भी चार्ज होता है। ये हमारा बैटरी कनेक्टर दिया गया है, उसमें लगाकर चेक करते हैं। मैं आपको इसमें कनेक्टर को लगा लेता हूँ, उसके बाद बैटरी कनेक्शन देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने बैटरी कनेक्ट कर लिया है बैटरी के पॉइंट में, और ई सेट माइनस का पॉइंट है और ई सेट प्लस का पॉइंट है। ठीक है, जो कि ये लिथियम आयन बैटरी 3.7 वोल्ट का है, मैंने पहले बता चुका है, और 2600 mAh का है और 9.62 इसका पावर है, वाट आवर। ठीक है, एसी के दोनों पॉइंट को शॉर्ट करेंगे तो ये एलईडी ग्लो होगा, जो कि बैटरी से चलने वाली एलईडी ग्लो होगा। जैसे कि मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने दोनों पॉइंट को शॉर्ट किया है, एसी पॉइंट को, आप ये जलने लगा देख सकते हैं। आप जो बैटरी से जलने वाला जो एलईडी किट है वो 3 वोल्ट का है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने में 3 वोल्ट का है। ठीक है, एक एसएमडी एलईडी में 3 वोल्ट लिखा है, वही एसएमडी एलईडी जल रहा है, आप देख सकते हैं जो बैटरी द्वारा जलता है। अगर घर का लाइट अचानक गोल हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिक बैटरी से चलने वाला एलईडी अचानक से ग्लो हो जाता है, इसी के लिए इसी को इन्वर्टर एलईडी बल्ब बोलते हैं, एसी डीसी एलईडी बल्ब भी बोलते हैं और रिचार्जेबल एलईडी बल्ब भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको टेस्ट करके दिखा दिया, चेक करके दिखा दिया कि ये कैसे काम करता है। आप इसका ब्राइटनेस देख सकते हैं, मैंने स्टूडियो का लाइट बंद कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं कैसे काम कर रहा है। और जो एलईडी नहीं जल पा रहा है वह डायरेक्ट एसी सप्लाई में जलता है, जो कि इसमें 9 वोल्ट लिखा होगा, वो डायरेक्ट एसी में जलता है, डायरेक्ट सप्लाई एसी से देते हैं उसी से जलता है। और जो 3 वोल्ट लिखा है वह बैटरी से जलने वाला एसएमडी एलईडी है, ये आप देख सकते हैं।
इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, काहे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।